डियर फ्रेंड, एक उपभोक्ता जब भी कुछ भी खरीदने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और उस पैसों के माध्यम से जिन वस्तुओं को वो खरीदना चाहता है उसकी कीमतें क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो साधन हमारे पास होने चाहिए, यानी कि पैसे, यानी कि हमारी इनकम। दूसरी बात होती है कि जो वस्तु हम खरीदेंगे वो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हमारे बजट में बैठना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक कीमत हुआ तो हम खरीद नहीं पाएंगे। तो वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, इन दोनों से मिला के ही वस्तु की इकाइयाँ, जितनी इकाइयाँ खरीदी जानी है, ये तय होती हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई उपभोक्ता दो वस्तुओं के बारे में सोचता है अपनी आय से खरीदने के लिए, तो उसके लिए उसके सामने कई सारे संयोग, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि वो कितनी कितनी मात्रा दो वस्तुओं की खरीद सकता है। तो आय और कीमत के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग जो खरीदने के संयोग होते हैं उसको जब एक वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो होता है बजट रेखा या कीमत रेखा, क्योंकि कीमत के आधार पर ही ये संयोग बनते हैं। होता यह है कि हम अपनी पूरी आय को खर्च करना चाहते हैं तो एक बजट बनाना तो ज़रूरी है कि हमारे पास इतनी इनकम है, एक वस्तु की कीमत इतनी है, दूसरी वस्तु की कीमत इतनी है, अब इन दोनों की कीमत के आधार पर मेरी इनकम के अकॉर्डिंग इतना इतना सामान बनता है, इसका इतना खरीदोगे तो इसका इतना खरीदोगे। क्योंकि दोनों वस्तुओं को एक ही पॉइंट पर हम बराबर बराबर खरीद सकते हैं, दोनों को ना बढ़ा सकते एक साथ, दोनों को ना घटा सकते हैं। एक की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरे की मात्रा घटानी पड़ेगी। इस प्रकार से एक संयोग बन जाता है, जैसे कि उदासीनता वक्र में आपने पढ़ा है, उत्पादन संभावना वक्र में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर आय का जिक्र नहीं था। यहाँ पर आय के साथ वस्तु की कीमत का तालमेल बिठाया जाता है दो वस्तुओं का, उसके बाद उसके विभिन्न संयोग बनाए जाते हैं और इसी को बजट रेखा के नाम से जानते हैं। आज इसी बजट रेखा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो पॉइंट पढ़ना है हमें कि बजट रेखा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की स्टूडेंट है, यूके बोर्ड के, लिख लीजिएगा, उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। ये 100% आपके एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि 2024 में आने की संभावना थी, नहीं आए, 2023 में भी नहीं आया था, 2022 में आ चुका था, तो 2025 में इस बार आ सकता है। तो आपको ये पॉइंट आपको लास्ट तक देखना होगा ताकि क्या लिखना है, कितना लिखना है, ताकि, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है उत्तराखंड बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 नंबर या 6 नंबर पूछा जाता है, ध्यान में ये रखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कीमत रेखा। कीमत रेखा या बजट रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन, क्या होता है ना कि कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तु की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है। यानी कि एक तरफ उपभोक्ता अपनी आय को देखता है, दूसरी तरफ वस्तु की कीमत को देखता है। तो दो वस्तु की कीमत, वस्तु एक्स और वस्तु कीमत के, दो वस्तु की कीमत के आधार पर दोनों की कितनी क्वांटिटी होगी, इसकी कितनी क्वांटिटी होती है और इसके बराबर उसकी इनकम कितनी होती है, इस बात को तय करता है। तो इस पूरे तालमेल को बैठाने वाला जो संयोग होता है, क्योंकि हम एक ही आय से कई सारे संयोग बना सकते हैं, दो वस्तुओं के, एक को ज़्यादा एक को कम, एक को ज़्यादा दूसरे को कम, इस प्रकार से कई सारे संयोग। तो उपभोक्ता अपनी आय से माध्यम से दो वस्तुओं की कीमत के द्वारा जितने भी क्वांटिटी खरीद सकता है, उसके जितने भी संयोग बनते हैं, जितने भी विकल्प बनते हैं, उस विकल्प को दर्शाने वाली रेखा को हम बजट रेखा कहते हैं। तो उसके बाद बनता है बजट सेट। उपभोक्ता हमेशा सेट बनाता है कि इसकी इतनी क्वांटिटी होगी तो दूसरे की इतनी क्वांटिटी होगी, इसकी इतनी क्वांटिटी बढ़ाए जाएंगे तो दूसरे की इतना कम होगा, इसका इतना कम करेंगे तो दूसरे का इतना बढ़ा, इस प्रकार से वो कुछ सेट बनाता है। ठीक है, हमेशा सोचता है, समझता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है, वो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पहले सोचता है, पहले उसके बारे में विचार व्यक्त करता है, फिर जाके फाइनल डिसीजन लेता है। इस प्रकार के बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का सेट होता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों के अनुसार खरीद सकता है। मतलब दो वस्तुओं के संयोगों का सेट होता है, अलग अलग सेट, संयोग ए, संयोग बी, संयोग सी। मान लो दो वस्तुएं एक्स और वाई, पहले संयोग में एक्स का 10 यूनिट खरीदते हैं तो वाई का 0 नहीं, इसका 8 तो इसका 2, इसका 6 तो इसका 4। इस प्रकार से जितने भी संयोग बन के तैयार होते हैं उन सभी संयोगों को बोला जाता है बजट सेट, सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी।
तो यहाँ पर जब सेट तैयार किया जाता है दो वस्तुओं के बीच में, तो जिस आधार पर तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं बजट समीकरण, बजट रेखा समीकरण। ध्यान रखेंगे एमसीक्यूज के हिसाब से एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट रेखा का समीकरण बताइए। तो यहाँ पर समीकरण होता है वस्तु एक की क्वांटिटी और वस्तु एक की प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे वस्तु दो की क्वांटिटी वस्तु दो की प्राइस। अब इन दोनों की क्वांटिटी इन दोनों का प्राइस मिला के आपस में जोड़ेंगे तो उसकी आय के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए एक उपभोक्ता की आय कितने रुपए है, 20 रुपए है, उसको अपने 20 रुपए खर्च करना है और दो वस्तुओं का उपभोग करना है, तो एक है वस्तु एक्स और एक है वस्तु वाई। तो दो वस्तुओं का उपभोग कैसे करेगा, तो वस्तु एक्स का अगर वो 5 यूनिट परचेज करता है, मान लीजिए वस्तु एक्स की कीमत जो है 4 रुपए प्रति इकाई है और वस्तु दो वाई की कीमत जो है 2 रुपए प्रति इकाई है, क्योंकि वस्तु की कीमत भी दिखाया जाएगा ना, उसकी इनकम जो है 20 रुपए है, एक्स की कीमत 4 रुपए, वाई की कीमत 2 रुपए है। अब कौन सा संयोग बनता है, पहला संयोग ये बनेगा कि वो वस्तु एक्स की 5 यूनिट खरीदे, तो 5 चूँकि 20 रुपए पूरे एक बार में पहली वस्तु पर खर्च होता है, तो दूसरी वस्तु की वो 0 इकाई खरीदेगा, 20 रुपए खर्च हो गए। दूसरा संयोग बन रहा है कि इसकी 4 इकाई खरीदे और इसकी 2 इकाई खरीद पाएगा, 20 रुपए खर्च हो गए। इस प्रकार से एक वस्तु की मात्रा वो कम करता हुआ चलेगा तो ही दूसरी वस्तु की मात्रा वो बढ़ाता जाएगा। इस प्रकार के देखिए उसके पास इस तरीके के 6 यूनिट बनते चले जाते हैं, 6 जो है सेट बन रहा है। तो इन सभी सेट को जब हम वक्र के माध्यम से शो करेंगे, यहाँ पर लेते हैं वस्तु एक्स को और यहाँ लेते हैं वस्तु वाई को। वस्तु एक्स का कितना है, 5 4 3 2 1 0, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पर लेते हैं वस्तु वाई की मात्रा को, 2 4 6 8 10, यानी कि ये हो गया 2 4 6 8 10 और ये हो गया 12, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब इन दोनों ही संयोग को मिलाइए, जब वस्तु एक्स की 5 इकाइयाँ हैं तो वस्तु वाई की कितनी इकाइयाँ हैं, 0, तो वस्तु एक्स की 5 इकाइयाँ और वस्तु वाई की 0 इकाइयाँ, यानी कि पहला पॉइंट तो ये हो गया ए। फिर वस्तु एक्स की 4 इकाइयाँ, वस्तु वाई की 2 इकाइयाँ, 4 और 2, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 2। ठीक है, फिर है 3 और इधर की होगी 4, फिर है 2 इधर हो गया 6, फिर हो गया 1 और इधर होगी 8, फिर हो गया 10 और इधर होगी 0। तो ये सभी पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया आपका ई, फिर हो गया एफ जी एच आई और ये हो गया जे बिंदु। इन सभी पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है, तो एक सीधी रेखा बनेगी आपकी, क्योंकि मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है ना, तो इस तो ये जो रेखा बन गई इसी रेखा को बोलेंगे बजट रेखा या फिर कीमत रेखा, जो कि आय, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा को एक साथ दर्शाता है। ठीक है, यही होता है बजट रेखा और इसी के आधार पर एक उपभोक्ता अपनी विभिन्न संयोगों में से एक सर्वश्रेष्ठ संयोग को चुनता है ताकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और बजट रेखा हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जीवन में बनाता जरूर है। बजट रेखा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको जानना जरूरी है। पहला, वे बंडल यानी कि सेट, बंडल का मतलब यहाँ पर हो गया सेट से हो गया, जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है बजट रेखा पर स्थित होती है। जो भी उपभोक्ता के आय के मद्देनज़र होती हैं तो वो बजट रेखा के ऊपर स्थित होती हैं, बजट रेखा के नीचे की ओर गिरती हुई, क्योंकि एक वस्तु को अधिकता में दूसरी वस्तु, बजट रेखा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई नज़र आती हैं। क्यों, क्योंकि एक की मात्रा को अगर बढ़ाते हैं तो दूसरी की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, हमेशा ये ध्यान में रखना। वे बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय से कम होती है, आय से कम व्यय को दर्शाती हैं और बजट रेखा के अंदर स्थित होती है। अगर मान लीजिए लागत वस्तु की कीमत कम होती है, लागत कम होती है, कम खर्च करता है, तो ऐसे में हमेशा वो बजट रेखा के अंदर बनती है, बजट रेखा के ऊपर नहीं। और जहाँ पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय से अधिक होती है जिसकी लागत, वो हमेशा इसके
बाहर बनती है बजट रेखा के बाहर। तो बजट रेखा के अंदर उपभोक्ता लेना नहीं चाहेगा क्योंकि वो बचत नहीं करना चाहेगा और ऊपर वो ले नहीं सकता, यानी कि एक उपभोक्ता को हमेशा अपने बजट रेखा के ऊपर ही चलना चाहिए। अब नेक्स्ट है बजट रेखा की विशेषताएं। कौन सी विशेषता है बजट रेखा की? प्रमुखता दो विशेषताएं बेटा ध्यान में रखना। पहली विशेषता है बजट रेखा हमेशा नीचे की ओर सीधी लाइन में गिरती हुई नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में वस्तु एक्स और वस्तु वाई के बीच में विपरीत संबंध होता है। हम एक साथ दोनों को ना घटा सकते हैं, एक साथ दोनों को ना बढ़ा सकते हैं। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। ऐसे में ये हमेशा विपरीत संबंध लिया हुआ होता है और विपरीत संबंध के साथ जो वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बजट रेखा एक सरल रेखा होती है। बजट रेखा ना ही उदासीनता वक्र की तरह होंगी, ना ही ये उत्पादन संभावना वक्र की तरह होंगी, ये हमेशा सीधी रेखा के रूप में होंगी। क्योंकि बजट रेखा के माध्यम से जो भी बंडल तैयार होंगे वो हमेशा आय के बराबर होंगे। उन दोनों का टोटल हमेशा आय के बराबर होती हैं। ऐसे में हर बिंदु, हर एक संयोग उसकी आय को बताता है, आय को इक्वल करता है, इसलिए एक सीधी रेखा में बनती हुई चली जाती है। ध्यान में रखना है बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि बजट रेखा आय के ऊपर निर्भर करता है। बजट रेखा वस्तु की कीमत के आधार पर तय करता है, तो आय और कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो इस आधार पर बजट रेखा में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि उपभोक्ता की आय भी उसकी वस्तु की मात्रा को प्रभावित करती हैं और वस्तु की कीमत तो करेगी ही करेगी। वस्तु की कीमत जब भी कम होता है वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके बारे में मैं आपको मांग वाले पॉइंट बताऊंगा। बस इसके बाद हम मांग शुरू करने वाले हैं। अब यहाँ पर बजट रेखा में जो परिवर्तन यानी कि खिसकाव के दो प्रमुख कारण है। एक, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, आय या तो बढ़ेगी, नॉर्मली हम कहते हैं आय में वृद्धि होती है तो आय में कमी भी हो सकती है, इसमें कोई नहीं है। तो अगर आय बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता अब ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, इसमें वस्तु की मात्रा अब ज़्यादा, तो बजट रेखा ऊपर की ओर चली जाएंगी। कैसे, मैं भी एग्जांपल से समझाता हूँ। वस्तु की कीमत, हमारे पास दो वस्तु है एक्स और वाई, तो वस्तु एक्स की कीमत में ही परिवर्तन हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, या फिर दोनों में एक साथ हो सकता है। तो तीन केस बन गए ना इसके। सबसे पहला केस, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के पर उपभोक्ता की जो व्यय राशि होती है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब होता है उसके वस्तु की मात्रा जो है वो भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब होता है पहले उपभोक्ता का बजट रेखा ये था, ये हो गया वस्तु वाई और ये हो गया आपका वस्तु एक्स। पहले बजट रेखा उसका ये बनता था, ये हो गया बिंदु ए बिंदु बी पर। क्योंकि अब उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, उपभोक्ता की आय बढ़ने के बाद इन दोनों की मात्रा, वस्तु एक्स वाई की मात्रा वो ज़्यादा लेगा और वस्तु एक्स की मात्रा भी वो ज़्यादा लेगा। तो नया जो पॉइंट रेखा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया बजट रेखा ऊपर की ओर खिसक जाएगा, जो कि वस्तु की अधिक मात्रा को दर्शाएगा। लेकिन वस्तु उपभोक्ता की आय में अगर कमी हो जाती है, आय में कमी होने का मतलब होता है वो अपने व्यय को भी कम कर देगा, और व्यय को कम करने का मतलब होता है कि वस्तु की खरीदने की मात्रा भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से उपभोक्ता का बजट रेखा जो पहले यहाँ बन रहा था ए और बी पॉइंट, अब क्योंकि वस्तु दोनों वस्तुओं की मात्रा को कम कर देगा क्योंकि इनकम है ही नहीं उसके पास, तो बजट रेखा अब नीचे की ओर बनेगी लाइक दिस। यहाँ पर ए, ये हो गया बी, यानी कि बजट रेखा नीचे की ओर खिसक जाती है क्योंकि दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी को अब वो कम कर देगा। लेकिन अगर आय में कोई परिवर्तन ना हो, अगर वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है और उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आय अपनी जगह पर है केवल कीमतें में परिवर्तन होता है, तो पहले शर्त कि बस दोनों वस्तु, वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों की कीमतों में परिवर्तन होता है। अब कीमतों में परिवर्तन भी दो तरीके से होता है, एक वस्तु की कीमतों में कमी और एक होता है वस्तु कीमतों में वृद्धि। ठीक है, अगर वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है इसका मतलब होता है वस्तुएं महंगी हो रही हैं। पहले बजट रेखा यहाँ था ए और बी, तो वस्तु एक्स की कीमत भी बढ़ गई, वस्तु वाई की कीमत भी बढ़ गई। आपको पता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मात्रा कम हो जाती हैं, तो ऐसे में नया बजट रेखा
अब ठीक दोनों वस्तु की कीमतों में कम होने के कारण नीचे की ओर जाएंगी लाइक दिस, यानी कि उपभोक्ता ज़्यादा कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। लेकिन वस्तु की कीमत में अगर कमी आ जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाता है, प्राइस अगर कम हो जाता है, मान लीजिए ना, देखिए अगर आपके पास 100 रुपये है खर्च करने के लिए, ठीक है ना, और हम बात करते हैं आलू, आलू की कीमत 10 रुपये है, कितने रुपये हैं, 10 रुपये के जी है। अगर 10 रुपये के जी से अगर आलू की कीमत बढ़ के कितना हो जाए, मान लीजिए 15 रुपये के जी हो जाए, तो कीमत बढ़ गई 10 रुपये के हिसाब से। पहले आप 10 केजी खरीदते थे, कितने केजी खरीदते थे, 10 केजी खरीदते थे, ठीक है। अब जो है आप 15 रुपये होने पर कितना खरीदेंगे, 15×90 यानी कि 6 किलो 750 ग्राम के आसपास आप खरीद पाएंगे, कम हो गया। लेकिन अगर वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए, आलू की कीमत 10 रुपये से घट के अगर 8 रुपये हो जाए, तो कितना खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि कीमतें अब ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब बजट रेखा बनेगा, पहले बजट रेखा ये था, अब वस्तु की कीमत दोनों में कमी आ गई, एक्स में भी और वाई में भी कीमत में कमी, वस्तु की मात्रा अब ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो नया बजट रेखा जो है अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब वस्तु की कीमतें परिवर्तन, लेकिन अगर एक बार में केवल एक ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, मान के दे वस्तु एक्स की कीमत में कमी हो जाए, अगर वस्तु एक्स की कीमत में कमी हो जाए, यह है एक्स, और यह है वाई, पुराना बजट रेखा कहां पर है, यह है। केवल वस्तु एक्स की कीमत में कमी होने का मतलब होता है वाई की उतनी ही क्वांटिटी परचेस की जा रही है जितनी पहले थी, अब वस्तु एक्स की कीमत में कमी होने से वस्तु एक्स की ज़्यादा मात्रा खरीदी जाएंगी, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा और ये भी था, तो नया जो वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। केवल और केवल एक साइड परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से अगर केवल और केवल वाई की कीमत में परिवर्तन हो जाए और ये वक्र यहाँ पर था ए और बी, तो वाई की ज़्यादा मात्रा परचेस की जाएंगी और ये वक्र कुछ इस तरह से बन जाएगा बजट रेखा, ठीक है। यहाँ पर केवल एक्स में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर केवल वाई में परिवर्तन हो रहा है, ये तब होता है जब केवल एक ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, ध्यान में रखना। अब ये बजट रेखा और इससे पहले आपने पढ़ा उदासीनता वक्र, देखिए बजट रेखा और उदासीनता वक्र दोनों ही माध्यम से दोनों का प्रयोग करते हुए हम एक उपभोक्ता संतुलन की, क्योंकि बजट रेखा ये बता देता है एक उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से व्यय करेगा, और उदासीनता वक्र ये बताता है कि एक उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा जो है संतुष्टि कब मिलती है। तो एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा कि उपभोक्ता की आय के माध्यम से बनने वाला बजट रेखा और उपभोक्ता की संतुलन को दिखाने वाला, सॉरी संतुष्टि को दिखाने वाला उदासीनता वक्र दोनों ही आपस में मिल जाए, और इस प्रकार से जहां पर ये दोनों आपस में मिलता है वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हो जाता है कि ये हमारी आय, इस आय के माध्यम से हमें इतनी संतुष्टि मिल रहा है, अब उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, इसका मतलब उपभोक्ता अब खुश है संतुष्टि के दर। तो इसका मतलब होता है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को कैसे दर्शाएँ। तो सबसे पहले तो आप संतुलन की अवस्था क्या होता है वो समझो। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वो अपनी आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है, यानी कि अगर मैं किसी सामान के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ तो उससे मिलने वाली संतुष्टि, उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए तभी फ़ायदा होगा, और जब ये अधिक होगा तभी उपभोक्ता संतुलन में होगा। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय और उपभोग वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है, और इस कीमत रेखा के साथ साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंचा है, क्योंकि उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनता है संतुलन उतना ही ज़्यादा होता है, संतुष्टि उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जब उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करते हैं तो संतुलन की दो प्रमुख शर्तें आ जाती हैं। नंबर एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। उदासीनता वक्र आप सबको पता है कि ये हमेशा उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आता है, ठीक है, इस तरह से ये उदासीनता वक्र, देखिए ये वाला,
और ये सीधी रेखा है, ये जो है बजट रेखा है, जिस बिंदु पर ये उदासीनता वक्र और बजट रेखा आपस में छू रहा है बिंदु ई पर, इसी बिंदु को हम बोलेंगे कि ये उत्पादक उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है, क्योंकि वो उसकी आय और मिलने वाली संतुष्टि दोनों ही आपस में बराबर हो रही है और अधिकतम संतुष्टि उसको प्रदान कर रहा है। और इस बिंदु पर हमेशा वस्तु एक्स और वस्तु वाई की कीमत उसकी जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होती है। इतना याद रखिएगा, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये होगी कि जब भी जिस बिंदु पर एक, क्योंकि कई सारी बिंदु ऐसी होंगी जहां पर बजट रेखा और उदासीनता वक्र आपस में छूते हुएंगे, लेकिन एक ऐसा बिंदु जहां पर ये नज़र आए कि वो दोबारा से ना छूए, क्योंकि अगर देखिए ये दो पॉइंट है, एक है पॉइंट के, एक है पॉइंट ई। पॉइंट ए की बात करते हैं, उदासीनता वक्र नीचे आ रहा है, के को छू रहा है, दोबारा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सीमांत प्रतिस्थापन यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है चेंज। लेकिन एक ऐसा बिंदु होना चाहिए, सीमांत प्रतिस्थापन बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। तो यहाँ पर बिंदु ई पर छूने के बाद ये वापस ऊपर जा रहा है, ये दोबारा कभी बजट रेखा को नहीं छुएगा। तो इस बिंदु को ही हम ई बिंदु को ही उदासीन उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहेंगे। ये दो शर्त का होना जरूरी है, एक कि ये दोनों को छूना चाहिए, किसको, बजट रेखा और उदासीनता वक्र को, और दूसरी शर्त होनी चाहिए कि यहाँ पर MRS जो होता है यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती हुई होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता संतुलन में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बजट रेखा वाला। फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी तरीका होता है, बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, शेयर क्यों नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दो। जब आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, विद नोट्स मिल रहा है, आपको 100% नोट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, केवल हेडिंग रीडिंग डाल देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के भी दे रहा हूँ, प्लस आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी है, आप जो है 100% अपनी स्टडी पर ध्यान दे सकूँ। जो काम करना है वो मैं करूंगा, सर्च करने से रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है, कंटेंट लिखना है, 100% एकदम यूजफुल कंटेंट आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेट वाला मामला हो जाता है। आपको चाहिए कि लगातार आपको इस तरह से कंटेंट मिलता रहे, एक्सप्लेनेशन मिलता रहे। तो बेटा शेयर और लाइक जरूर कर दो। थैंक यू एंड बाय।